रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, लेकिन लोगों में इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसलिए लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों ने आज अपने 60वें स्थापना दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारियों ने बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर का गठन हवाई हमलों के दौरान लोगों की मदद करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही समाज की सेवा करना भी उनका उद्देश्य है। उनके साप्ताहिक कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के बाद अब डेंगू आदि का प्रकोप बढ़ा है। लोगों को जरूरत के वक्त खून या प्लेटलेट्स की कमी ना पड़े, इसको लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है। कुछ देर पहले घबराहट हो रही कि मैं इतनी दुबली पतली हूँ, इतना सारा ब्लड कैसे निकल जाएगा, ये क्या करेंगे। फिर दो तीन लोग जो ऐसे थे, उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब तो कुछ भी एहसास भी नहीं हो रहा है। फिर सोचा कि ब्लड देने से अगर किसी को हमारी वजह से कुछ फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है ना। और वैसे तो हम लोग ब्लड तो है ही देने के लिए, और चोट कभी लगती है तो भी ब्लड इतना निकल जाता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। और आज हम ब्लड किसी के लिए दे रहे हैं, किसी के जीवन के लिए, कि कब किसको अपना ब्लड जरूरत पड़ता है। नागरिक सुरक्षा अपने स्थापना का 60वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के दृष्टिगत स्थापित किया गया है। और हमारा कार्य हवाई हमले से लोगों के बचाव के संदर्भ में प्रशिक्षित करना और उसके साथ साथ समाज सेवा के भी कार्य को करते रहना। उसी के क्रम में हम अपने साप्ताहिक कार्य के अंतर्गत आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि लगभग हम लोग 150 से ज़्यादा हम लोग रक्तदान करा लेंगे। और वह यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ है और शाम तक 5 बजे तक 6 बजे तक चलता रहेगा, जब तक जो लोग आते रहेंगे। और उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना, समाज सेवा में किस प्रकार कार्य करना है, इस उद्देश्य के साथ। और यह एक बहुत बड़ी मतलब अपने मन के अंदर की हार्दिक प्रसन्नता का विषय होगा कि अपने शरीर के बहते हुए रक्त को दूसरे के शरीर में बहने का मौका दें। इसी उद्देश्य के साथ हमारा लक्ष्य है कि सभी अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें रक्तदान करने के लिए, प्लेटलेट्स डोनेट करने के लिए। आप देख रहे हैं कि वर्तमान आफ्टर कोरोना जो इफेक्ट रहा है, उसमें बहुत से लोगों को इस तरीके की आवश्यकता पड़ रही है कि कोई ना कोई बीमारी हो जा रही है, डेंगू हो रहा है, लोगों को प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर ब्लड रहेगा तभी यह चीज़ संभव है। इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने यहाँ रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया।